हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का 2.2 का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है हमें। तो सबसे पहले ये इसमें आएगा शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्य को का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है, तो x^2 - अल्फा प्लस बीटा एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखना है पहली रकम हमेशा अल्फा प्लस बीटा होती है, दूसरी रकम याद रखना अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होती है। तो सबसे पहले हमने इसको अब सॉल्व करना है x^2 - क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा -1/4 है बच्चों, ठीक है, और उसके बाद प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/4 है। ठीक है बच्चों, इसके नीचे 1 लगा के सबसे पहले हमने इनका 1/4 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम पहले यहां ले लेते हैं हम, किस किस का एलसीएम लेना है 1/4 का। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। तो एलसीएम बच्चों हमारे पास 4 आ गया, इज इक्वल टू में 0 भी कर सकते हैं। याद रखना नीचे की संख्या से इसको पहले क्या करना है, डिवाइड, याद रखना है बच्चों, डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको इससे करेंगे भाग, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4। और देखो इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, जो ये रकम है ऊपर वाली, 4 से 4 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जिसकी गुणा इसमें होगी। ठीक है बच्चों, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो फिर हमें 1 मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई भी ऊपर वाली संख्या में ही होगी। 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो बनेगा बच्चों, ये बनेगा 4x^2 - - अब देखिए 1 माइनस इधर है, 1 इधर है, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस, और 1 एकम 1 यानी यहाँ पे एक्स है, तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और उसके बाद यहाँ पे 1 एकम 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना है इस वाले 1 से, देखो सब में करेंगे मल्टीप्लाई, तो सब में मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा ऊपर वाला 4x^2 - x + 1। फिर उसके बाद देखिए, फिर करेंगे 4 की गुणा 0 में करेंगे, तो सिंपल सी बात है 4 0 0, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा 2.2 का फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। दैट्स इट।